पर ये एक चेतावनी भी है, दोस्तों, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इनका चेतावनी और निर्देशों का पूरा ध्यान रखते हुए घाटों पर और माँ गंगा जी के आसपास सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा कुछ दृश्य है, माँ गंगा जी की धारा कल कल बहती हुई, बहुत ही खूबसूरत दृश्य माँ गंगा जी के। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह का हवा चल रही है, देख सकते हैं आप मंदिर पे पताका कैसे लहरा रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। ये महिला घाट का छत है और इसके अंदर ये जो हॉल है इसके अंदर महिलाएं, माताएं, बहनें आसानी से स्नान कर सकती है। ऐसा कुछ दृश्य है आज। ये सीढ़ियाँ दोस्तों, अगर इस ब्रिज को क्रॉस करके आप ऊपर जाते हैं तो आप हरिद्वार का जो अपर रोड है उस पर चले जाते हैं, जहाँ से आप भारत माता मंदिर और सप्तऋषि आश्रम, बहुत सारे आगे मंदिर है सुंदर सुंदर, वहाँ आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ दृश्य है आरकी पौड़ी क्षेत्र का आज। सामने आप देख रहे हैं ये बिरला घाट, घंटाघर घाट, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा घाट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ आके स्नान कर सकते हैं। और ये वो ब्रिज है जहाँ से श्रद्धालु जम कर करके स्नान करते हैं। आज तो एक भी श्रद्धालु नहीं दिखाई दे रहा है ब्रिज पे, नीचे स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, देख सकते हैं आप। और ऐसा कुछ दृश्य माँ गंगा जी के आसपास का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, लेकिन लगातार देख सकते हैं आप श्रद्धालु माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हुए। सुबह के 8:15 हो रहे हैं और इस तरह का कुछ श्रद्धालुओं की संख्या है आज हर की पौड़ी क्षेत्र पे, बिरला घाट पे सबसे बड़ा घाट है, मैं बता रहा था दोस्तों। और इस घाट पे बहुत सारी ये चेंजिंग रूम है, देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये चेंजिंग रूम है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों लास्ट तक। और इस घाट पे सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम है, जहाँ पर माताएं बहनें स्नान करने के बाद वस्त्रों को चेंज कर सकती हैं। इस घाट पे भी थोड़े बहुत श्रद्धालु हैं, कुछ स्नान कर चुके हैं, कुछ स्नान करने जा रहे हैं। ऐसे ये लकड़ी का ब्रिज है, यहाँ पर भी एक ये सोलर पैनल पड़ा हुआ है, ये लकड़ी का ब्रिज है जिसके ऊपर से श्रद्धालु जम कर करके स्नान करते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, माँ गंगा जी के दर्शन करा देता हूँ। ऐसा कुछ सुंदर दृश्य है यहाँ से, देख सकते हैं आप। ये निशुल्क जूते स्टॉल है, जहाँ पर आप जूते चप्पल निकाल कर महिला घाट और ब्रह्मकुंड घाट, जो हर की पौड़ी क्षेत्र के पवित्र घाट है, वहाँ पर जा सकते हैं स्नान करने के लिए। और ये जस्ट घाट के बगल में कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आपको पूजा की सामग्री मिल जाती है, और प्लास्टिक की ये केन्स हैं जिस मिल जाती है, जिसमें आप जल वगैरह लेके अपने अपने घरों को जा सकते हैं। ऐसा खूबसूरत सुंदर दृश्य हर की पौड़ी क्षेत्र का देख सकते हैं आप। सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये नया संजय पुल है जो पंथदीप पार्किंग को जोड़ता है, जिसे हरियाणा टापू भी कहते हैं। वहाँ से आप अपनी गाड़ियों को पार्क करके हर की पौड़ी क्षेत्र पे आसानी से 5 मिनट में आ सकते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस है वहाँ से हर की पौड़ी पे आने के लिए। घाटों पर आपको ये ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर प्रसाद का सामान। ये नया संजय पुल है जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों मैं, और ये माँ गंगा जी का चौड़ा स्वरूप, दर्शन करें आप और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर पाए और आशीर्वाद प्राप्त कर पाए दोस्तों।
ये मालवीय घाट है दोस्तों, और मालवीय घाट पर देख सकते हैं आप श्रद्धालु, ये कुछ श्रद्धालु स्नान करके शायद वापस जाते हुए, लगातार श्रद्धालु यहाँ पर घाटों पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना बिल्कुल भी कम नहीं है, निरंतर जारी है श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना। और ये छोटे छोटे वेंडर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, चश्मा ले सकते हैं आप। और ये मैं इस समय बिरला घाट पे हूँ दोस्तों, और बिरला घाट से आपको हर की पौड़ी क्षेत्र के सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ आज दृश्य है हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास के घाटों का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ऐसा कुछ दृश्य हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास के घाटों का। मैं इस समय आपको ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन करा रहा हूँ, देख सकते हैं आप ऐसा कुछ सुंदर दृश्य। और जैसा अनुमान था दोस्तों, देख सकते हैं आप बद्री ऊपर पूरी लगी हुई, बादल लगे हुए हैं और बारिश स्टार्ट है, बूंदाबांदी चालू हो गई है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर बारिश होने लगेगी। ऐसा कुछ खूबसूरत दृश्य, श्रद्धालु लगातार आते हुए माँ गंगा जी के निर्मल पावन जल में स्नान करने के लिए। सामने संजय पुल है, ये संजय पुल है दोस्तों, देख सकते हैं आप ऐसा कुछ दृश्य। और बारिश शुरू ही होने वाली है, आइए हम भी फटाफट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कवर कर लें वीडियो को, और फिर हम भी कहीं सुरक्षित जगह चले। देख सकते हैं आप बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, बूंदाबांदी चालू है, हम भी फटाफट वीडियो को कवर करते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम भीगे ना। देखिए लगातार बूंदाबांदी चालू, बारिश। इधर ये धनुष ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज देख सकते हैं आप। ये धनुष ब्रिज है दोस्तों, जो ऋषिकेश देहरादून हाईवे, दिल्ली हाईवे है, उसको हर की पौड़ी क्षेत्र से डायरेक्ट जोड़ता है। और इसके ही जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, जहाँ से आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके इस ब्रिज के थ्रू हर की पौड़ी क्षेत्र पे आप आसानी से आ सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नाई घाट है, बारिश शुरू हो गई है जिसकी वजह से श्रद्धालु घाटों से जाना स्टार्ट हो गए। ये मेन हर की पौड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ संजय पुल से, और ये अस्थि प्रवाह घाट है दोस्तों। अस्थि प्रवाह घाट के जस्ट बगल में ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ पर माँ गंगा जी की सुबह और शाम आरती होती है। और सामने आप बिरला घाट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आज हर की पौड़ी क्षेत्र का। श्रद्धालु माँ गंगा जी में लगातार स्नान करते हुए देख सकते हैं आप।